हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो साथियों, गुड इवनिंग सभी को। और आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पद वृद्धि को लेकर के है। तो मध्य प्रदेश के सभी साथियों में कहीं ना कहीं पद वृद्धि का प्रयास तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे द्वारा बोला गया था उस पर कार्य कोई नहीं कर रहा। ये वीडियो बनाने पर मैं थोड़ा सा दुख भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले काफ़ी साथी बोलते थे पद वृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने भी आप लोगों के लिए बोला हाँ करना चाहिए, लेकिन जैसा पहले था वैसा आज भी चल रहा है। तो सबसे पहले तो आज उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो डिस्प्ले पर बड़वानी विधायक जी को ज्ञापन दिया गया है। उन सभी साथियों का फोटो भी आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मेरी मनोकामना थी कि मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं में प्रत्येक विधायक जी को ज्ञापन दिया जाए, तो ये मेरी उम्मीद मुझे नहीं लगता पूरी हो सकती है, क्योंकि जब लोग जागरूक ही नहीं तो कैसे संभव है। देखिए, नौकरी सबको चाहिए और लेने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन परिश्रम करने कोई तैयार नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है, आपको भी जानकारी है, मंगल सर कम से कम 10 से 15 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और आपने देखा होगा वो अकेले जाते कहीं भी मिलने के लिए। तो क्या सिर्फ मंगल सर को नौकरी चाहिए? आप मतलब मंगल सर अकेले सभी जगह जा रहे हैं। अभी भी उनने कमेंट डाला कि वो सुजानपुर जा रहे हैं, इसके पहले वो गाड़रवारा गए हुए थे। मतलब एक ही व्यक्ति पद वृद्धि का प्रयास कर रहा, बाकी सारे मोबाइल पर प्रयास कर रहे हैं। वाह, मतलब इस प्रकार की कहानी है। पदवृद्धि सभी को चाहिए। अब कुछ साथियों को बुरा लगेगा, अब लेकिन मैं बुरा से नहीं डरता हूँ। क्या है कि जो सच है सच बोलूँगा। मंगल सर अकेले सभी जगह जा रहे हैं, आप लोग प्रयास भी नहीं कर रहे, बस मीटिंग में ज्ञान देने को बोल दें। सभी लोग ज्ञान देते हैं, सब कुछ होता है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते, तो पदवृद्धि में कोई प्रयास नहीं कर रहा। तो मैंने 230 विधानसभाओं के लिए बोला था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितनी विधानसभाओं में विधायक जी को ज्ञापन दिया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने गलती की पुराने साल 2023 में, तो अब एक बार और बोलना चाहूँगा कि साल 2024 लग गया है। 2024 लगने के साथ आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, अभी तक नहीं दे पाए, अब जागरूक हो जाइए और अपने अपने विधायक जी को ज्ञापन दीजिए, और 230 के 230 विधायक महोदय को ज्ञापन देने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप ज्ञापन की प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो उसके बाद आपकी आगे की प्रक्रिया बढ़ने के चांस रहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ज्ञापन के लिए था। हाँ, एक और जानकारी आई हुई है, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों के पद तो नहीं निकाले जा रहे, लेकिन कुछ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। डिस्प्ले पर देख सकते हैं, कटनी जिले से ही आदेश जारी हुआ है कि इनको शालाओं में मर्ज करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति कम देखी जा रही है, और बच्चे कम हैं, मतलब शाला में 20 से कम दर्ज हैं बच्चे, इसलिए इन स्कूलों को बंद के करके मर्ज किया जा रहा है उनके पास वाले विद्यालय में। तो ये वीडियो भी उसी पर, और दोनों जानकारी थी मेरे पास, तो दोनों जानकारी मैंने आपको बताई। एक विधायक जी को ज्ञापन दिया गया, वो भी तो इसी प्रकार से। साथ ही अगर आपको बुरा लग रहा, तो बुरा ना लग के आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, पदवृद्धि पर प्रयास कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर मंगल सर कहीं अकेले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी आप लोगों की खुद है। आप उनका साथ नहीं दे रहे, तो आपकी खुद की नाकामयाबी है। आपका खुद का हितैषी नहीं है, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रयास करना चाहिए, आपको संघर्ष करना चाहिए, आपको आंदोलन में ज्ञापन वगैरह देना चाहिए। इसी प्रकार ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ बने रहिए वीडियो पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।